चंद्रपुर शहर के साई डिवाइन हॉस्पिटल में एक मरीज की मौत होने के बाद परिजनों ने अस्पताल की तोड़फोड़ करने का मामला सामने आया। क्यों हुई यह घटना और डॉक्टर ने इस संबंध में क्या राय व्यक्त की, देखते हैं इस खबर में। चंद्रपुर शहर के हृदय रोग तज्ञ डॉक्टर कुबेर को पहली बार इनके साई डिवाइन मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में तोड़फोड़ होने के कारण शहर में खलबली मची है। शराब सेवन करने वाले व्यक्ति की मृत्यु इस अस्पताल में होने के कारण मृत व्यक्ति के परिजनों ने इस घटना को अंजाम दिया। राकेश यादव, जिनकी उम्र 36 साल है, वह व्यक्ति कोयला खदान के कर्मी थे। उनका लीवर काम न करने के कारण वह अस्पताल में एडमिट हुए थे। सुबह उनके मृत्यु होने के कारण उनके परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही का इल्जाम लगाया। क्या नाम है? सुरेश नायर, उनका पड़ोसी। जिस दिन मैं घर पे दवाखाने में आया था, वो एडमिट था, सलाइन लगा के एडमिट था। सलाइन खत्म होकर रिटर्न ब्लड चढ़ने तक उनका लापरवाही कोई ध्यान नहीं दे रहा था। जब तक मेरे मुंह से उन लोगों को बोला नहीं, ब्लड इन्हें सलाइन खत्म हो गया, ब्लड ऊपर चढ़ रहा है, रिटर्न ब्लड जा रहा करके। जब जाके उन लोग ब्लड सलाइन बंद करके ब्लड का ये ट्यूब निकाल रहा था, जब तक उनका दवाखाने में बोला भी उनको डॉक्टर लोग को, ये लापरवाही क्यों कर रहा है आईसीयू में? आईसीयू में ठीक ठाक रहना चाहिए, अच्छा ध्यान रखना चाहिए, उससे अच्छा फिर जनरल वार्ड में भर्ती करना पुरता था, बोला आईसीयू में भर्ती करना। इन लोग ये लापरवाही देख रहे हैं, ध्यान ही नहीं दे रहे। उनको दो बार डाटा भी, फिर भी उन लोग ध्यान दे रहे हैं, लापरवाही से ये दवाखाना चालू है। यह संपूर्ण घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। पुलिस ने तुरंत ही घटना स्थल पर पहुंचकर परिस्थिति को काबू में कर लिया। शहर के सभी डॉक्टर्स ने इस घटना का तीव्र निषेध व्यक्त किया। इस संदर्भ में अधिक जानकारी देते हुए डॉक्टर कुबेर कोतपल्लीवार। हाँ, पेशेंट जो है राकेश यादव, हाँ 29 तारखेला रात्री 8:10 भर्ती झाला आणि तेव्हा त्याच्या कंप्लेंट्स होत्या, इरिटेबिलिटी, रिटेन्शन ऑफ युरिन, येलो कलर ऑफ आईज, फीवर। आणि भर्ती झाला त्यावेळेस अशी हिस्ट्री होती की जे क्रॉनिक अल्कोहोलिक, नॉन केस ऑफ अल्कोहोल लिवर डिसीज आणि टेकिंग ट्रीटमेंट ॲट नागपूर फ्रॉम लास्ट 5 years फॉर सिरोसिस ऑफ लिवर। आणि मागच्या 29 नोव्हेंबरला त्याला नागपूरवरून सुट्टी झाली होती, त्यानंतर तो कधी पुन्हा नागपूरला गेला नव्हता, फॉलोअप नव्हता। आणि भरती करताना नातेवाईकांनी सांगितलं की दारू पिणं चालूच आहे, दारू पिणं काही बंद नाही। आणि भरती केल्यानंतर जे इन्व्हेस्टिगेशन केले त्याच्यावरून असं दिसत होतं की त्याचं लिव्हर पूर्णपणे खराब झालं होतं, अल्कोहोलिक लिव्हर डिसीज होता, सिरोसिस ऑफ लिव्हर होतं, नंतर हिपॅटायटीस, ब्लड एन्झाईम्स वाढलेले होते, किडनी काम करत नव्हती, पफिनेस ऑफ फेस आणि पूर्ण बॉडीवर सूज होती, आणि एन्सेफेलोपॅथीमध्ये होता पेशंट सेमी कॉन्शियस कंडिशनमध्ये होता भरती केलं तेव्हा। दुसऱ्या दिवशी डोळे उघडणं चालू केलं होतं, नाव सांगितलं होतं, परंतु आउट ऑफ डेंजर नव्हता। रक्त गुटण्याची प्रक्रिया जी असते ती देखील खराब झाली होती, मल्टी ऑर्गन फेल्युअरमध्ये होता। आणि आज अचानक तो कार्डिओ रेस्पिरेटरी अरेस्टमध्ये गेला आणि त्याची डेथ झाली। आयसीयूच्या काचा फोडल्या आणि फिजिकल असॉल्ट करण्याचा प्रयत्न करत होते, परंतु त्यांना त्याचं ते यश आलं नाही। वेळामुळे सर्व काही आम्ही सुरक्षित राहतो। सीटीव्ही से हमारे संवाददाता वैभव रुयारकर की रिपोर्ट।